नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आरके स्टडी चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती की एक अभ्यर्थी उषा यादव ने केबीसी में जीते 25 लाख रुपए। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की जो अभ्यर्थी थी, मेजा के यानी इलाहाबाद रामनगर निवासी उषा यादव ने सोनी चैनल पर सोमवार को प्रसारित कौन बनेगा करोड़पति शो में 25 लाख रुपये जीतकर प्रयागराज का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। शो की शुरुआत सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने अंदाज में तालियों के बीच की। यह संभवतः पहला मौका था जब केबीसी में प्रयागराज के किसी शख्स ने 25 लाख रुपए का तक सफर तय किया। फॉर टेस्ट फिंगर राउंड में देश भर से आए 10 में से एक अभ्यर्थी को चुना जाना था। अमिताभ बच्चन ने गणित का एक सवाल पूछा, जिसका सहज महज 3.92 सेकंड में एकदम सही जवाब देकर उषा यादव हॉट सीट पर पहुंच गई। उषा यादव ने 1.5 घंटे तक चले खेल के दौरान 13 सवालों को एकदम सही जवाब देकर 25 लाख रुपये की भारी भरकम रकम जीतकर रामनगरी की मेधा का लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने एक सवाल पर 2 लाइफलाइन गवा दी, लेकिन अपनी याददाश्त और तैयारी के बूते 13 सवालों तक सफर तय किया। 13वें सवाल में एक्सपर्ट की राय ली गई, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार शम्स ताहिर खान ने सही जवाब देकर 25 लाख जीतने में उनकी मदद की। 14वां सवाल, मान्यता अनुसार हिरण्यकश्यप की पत्नी व प्रह्लाद की माता का नाम क्या था? सही जवाब नहीं पता होने पर उषा ने गेम छोड़ने का ऐलान किया, इसका निर्णय लिया। सवाल जो पहले उनसे पूछा गया था केबीसी में, पहले प्रश्न में कोल्हू का बैल मुहावरे में कोहलू नहीं लिखा गया था। दूसरा था, बिहारी खाद्य लिट्टी किससे बना होता है? गेहूं का आटा का। तीसरा, किस भगवान की पूजा महाकाल के रूप में की जाती है? तो शिव भगवान। कौन सा कुल नाम पहलवान गीता बबीता ऋतु और विनेश से जुड़ा है? तो फोगाट कुल नाम। एक लोकप्रिय देशभक्ति कविता से ली गई पंक्तियाँ, कानपुर के नाना मुँह बोली बहन छबीली थी, में छबीली किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए। इनमें से किस नदी का उद्गम और अंत भारतीय सीमा के अंदर होता है? तो चंबल नदी। इस किशोर गायिका का नाम क्या है? मैथिली ठाकुर। चित्र में, इस चित्र से मंदिर को पहचानने सात घोड़े खींचते हुए दिखाया गया है? तो कोड़ाकसुर मंदिर। 2018 में इनमें से किसे हिंदी फिल्म में वास्तविक जीवन की माँ बेटी पर्दे पर भी भूमिका निभाई थी? तो ये सोनी राजदान और उनकी बेटी आलिया भट्ट का था। उषा इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई, जिस पर लाइफलाइन का प्रयोग करते हुए दूसरा प्रश्न पूछा गया। महाभारत के अनुसार इनमें से किसके भाइयों की संख्या 100 थी? तो दुःशाला। महिला के 20-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। और 12वां क्वेश्चन था, 1929 में इनमें किसने भगत सिंह के साथ दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिए थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे। काला अनार बीमारी का टीका किसने विकसित किया था? तो उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी ने विकसित किया था। तो ये थे इनसे 13 सवाल जिसका जवाब दिया, ये 13 सवाल थे जिनका उनसे पूछा गया था। और ये 14वां सवाल पूछा गया था कि 50 लाख रुपये का था। मान्यता अनुसार हिरण्यकश्यप की पत्नी व प्रह्लाद की माता का नाम क्या था? इसका सही जवाब पता न होने पर उषा यादव ने गेम से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उनका निर्णय सही भी साबित हुआ, क्योंकि वह जिस उत्तर कौशिकी का अंदाज लगा रही थी वह गलत था, जबकि सही जो था वो था कायुध, यानी कायुध था प्रह्लाद की माता का नाम, कायाधु था, सॉरी। ये हॉट सीट से जब उठ रही थी तो उनके पति हैं जो सेल्फी खिंचाने गए थे, ये उनके घर का सीन है जहाँ पे उनके ससुराल वाले लोग के बीच ही देख रहे हैं। और महानायक से बातचीत के अंत है, माता पिता संग उषा यादव ने भी मुस्का गांव में केबीसी पर प्रोग्राम देखा। मौके पर जुटी गांव की महिलाएं उनके भाई बहन बार बार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से उनकी बातचीत पर तरह तरह के सवाल कर रही थी। उषा की महानायक से बातें बताते ही जा रहे थे, बोल रहे थे कि कितना बताऊँ, बातें बहुत बातें हैं। ये देखिए वो है जब इनसे केबीसी में 69,000 पर पूछा गया था कि यूपी के नौकरी के बारे में, तो उन्होंने कहा यूपी की नौकरी का क्या क्या है, मिल जाए तभी यकीन करिए। इनमें देखिए जब शो पे हो गई थी तो उसकी अड़चने दर्द को भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया था। शादी के 6 साल तक पति की नौकरी का इंतजार किया, अब उनके पति जो है सरकारी टीचर में हैं और खुद भी 69,000 में हैं और इस समय 25 लाख रुपये जीत भी गई हैं। 2012 में उनकी शादी हुई थी,
उषा यादव जी ने महाशादी के माना है, अमिताभ बच्चन से पूछा था आप जो है कुंभ में क्यों नहीं है, तो इसका जवाब नहीं दे पाए, बोले कुंभ कई बार आए हैं। और इसमें देखिए जब 10 रुपये का नोट उसमें पूछा गया था शो के दौरान, अमिताभ ने हमेशा की तरह खूब हंसी मजाक भी किया था अमिताभ बच्चन जी ने, जिसमें 80,000 रुपये के लिए सवाल का जवाब देने के बाद जब उषा को बताया गया कि 10 रुपये के नए नोट की छपाई से जवाब का क्लू मिला, तो उन्होंने अमिताभ ने इलाहाबादी अंदाज में आकर सब कुछ चौंका दिया, 10 रुपये का नोट 80,000 जिताए दी, ये इलाहाबादी अंदाज में बोले थे देखिए। और यहाँ पे चौदहवें सवाल का जो जवाब नहीं दे पाया उसका भी इस प्रकार से अपनी 69,000 वैकेंसी जो टीचर की आई थी इसकी एक अभ्यर्थी ने 25 लाख रुपए के वी सी में, 25 लाख रुपए के वी सी में विनर हुई हैं, बहुत बहुत बधाई हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद, थैंक यू।